बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, लेकिन अब संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही थी, जहां पर तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई, मंथन किया गया। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। तो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये बैठक हुई, और तस्वीरें भी आप उस दौरान की देख सकते हैं। बीजेपी संसदीय दल की यहां पर बैठक हुई और फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। किया प्रधानमंत्री जी ने, उसका भाजपा संसदीय दल ने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया, जो एक उद्देश्य है कि कोई भी भूखा नहीं रहे, और गरीबों के प्रति जो हमदर्दी है प्रधानमंत्री जी का, उस भाव को इस योजना के विस्तार में प्रकटीकरण प्रतीत होता है। दूसरा विषय, जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ तो बड़ा विषय आया सामाजिक न्याय। हमें सभी सांसदों को ये कहा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में, 6 अप्रैल हमारा स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, 1980 में 6 अप्रैल को हमारी स्थापना हुई थी, 11 अप्रैल महात्मा फूले के लिए लड़ने वाले, अपना जीवन होम करने वाले, उनकी प्रदर्शनी लगी है। तो मैं सरकार का अभिनंदन, विभाग का अभिनंदन, और ये बहुत ही प्रेरणादायी क्षण है। इसके लिए मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ये देश में जाना चाहिए, और नौजवान पीढ़ी को इन गुमनाम देशभक्तों और शहीदों के बारे में और बताने की जरूरत है। धन्यवाद। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये बैठक हुई, और तमाम सांसद भी यहां पर मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे।